रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87.97% वोट उन्होंने पाए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर रूस के नागरिकों का आभार जताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विजयी भाषण में कहा कि मैं रूस के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हम एक टीम है। उन्होंने कहा कि एक देश में सत्ता का स्रोत रूसी लोग हैं और वो रूस के प्रत्येक नागरिक की आवाज़ है। पुतिन ने कहा कि हर आवाज में हम रूसी संघ के लोगों को एक राष्ट्रमंडल का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने रक्षा, विज्ञान और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में नागरिक भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया। इसके बाद पुतिन ने देश के हितों की रक्षा के लिए उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए सशस्त्र बलों की विशेष सराहना की। पुतिन ने कहा कि मैं अपने सैनिकों को उन जवानों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हमारे देश में विकास और अस्तित्व के लिए परिस्थितियां सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने एलेक्सी नवलनी को मौत को भी दुखद घटना बताया। पुतिन ने कहा कि जेलों में बंद लोगों की मौत के अन्य मामले भी सामने आए हैं। नवलनी की मौत एक दुखद घटना है। ऐसे अन्य मामले भी थे जब जेलों में बंद लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है? अमेरिका में भी ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को 87% से अधिक वोट मिले हैं। इसी के साथ वो पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 दिन तक मतदान हुआ था। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जिस पर रूस ने हाल ही में कब्जा किया था।